हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज के लिए फुल स्लीव जो है वो कैसे कट करते हैं ये देखते हैं। जैसे ब्लाउज के लिए 3/4 स्लीव्स भी बनाते हैं, हाफ स्लीव्स या शॉर्ट शूज भी बनाते हैं, और यहाँ पे हमारे फुल स्लीव्स भी बनाते हैं, 3/4 शूज भी स्लीव्स भी बनाते हैं। तब इसे कैसे बनाना है अब देखिए। यहाँ पे पहले हमें कपड़े को इस तरह से लेना है। इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, स्लीव्स की पहले हमें लंबाई नापनी है। अभी स्लीव्स की लंबाई जो है वो आपको कितनी लेनी है अब देखिए। वो शॉर्ट स्लीव्स होगी तो भी हम एक ही जैसी कटिंग करते हैं, 3/4 स्लीव्स होगी तो भी यहाँ पे हमारी जो गोलाई वगैरह होता है वो भी एक जैसा ही होता है, और फुल स्लीव्स होगी तो भी आपकी गोलाई जो है वो ऊपर के साइड में जो गोलाई देते हैं वो इतनी ही रहती है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे जो फुल स्लीव्स होती हैं, हाफ स्लीव्स होती हैं, तो यहाँ पे हमें 4 या 4.5 जो भी आपकी 5 इंच भी स्लीव्स की लंबाई होगी इसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। जितनी भी आपकी स्लीव्स की लंबाई होगी, आपकी कौन सी भी स्लीव्स हो, 3/4 होगी आपकी 14 या 15 इंच आपकी लंबाई होगी तो आपको 16.5 इंच लेनी है, यानी कि 1.5 इंच आपको इसमें प्लस करना है। और फुल स्लीव्स होगी तो यहाँ पे आपको 20 इंच पे आपको लंबाई है तो आपको 21.5 इंच लेना है, यानी कि यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। छोटी स्लीव्स होगी तो भी आपको 1.5 इंच लेना है, 3/4 स्लीव्स होगी तो भी आपको 1.5 इंच लेना है, और फुल स्लीव्स होगी तो भी आपको 1.5 इंच लेना है, क्योंकि 1 इंच अंदर के साइड में इसे फोल्ड होता है और 0.5 इंच ऊपर के साइड में सिलाई में चला जाता है, इसीलिए हमें 1.5 इंच लेना है। अभी यहाँ पे हमें फुल स्लीव्स की कटिंग करनी है। अभी फुल स्लीव्स की कटिंग करनी है इसीलिए हमें इसकी पहले लंबाई नापनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो लंबाई है ये आती है हमारी 20 इंच, और इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 21.5 इंच। यहाँ पे हमें 21.5 इंच लिया है। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको कट किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये जो चौड़ाई है हमारी, चौड़ाई हमें स्लीव जो बाजू का आर्मोल होता है यानी कि ब्लाउज का जो आर्मोल है हमारा, तो यह हमें इस तरह से क्रॉस में नापना पड़ता है। जो आर्मोल हम क्रॉस में नापते हैं उसमें आपको 0.5 इंच प्लस करना है, यानी कि जितना भी आपका 6 इंच आर्मोल होगा तो आपको 6.5 इंच लेना है, 7 इंच आर्मोल होगा तो आपको 7.5 इंच लेना है, जितना भी आपका क्रॉस में आर्मोल होगा, क्योंकि इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि आर्मोल को कैसे नापते हैं, तो आर्मोल कैसे नापते हैं तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया है। जब भी मैं ब्लाउज की कटिंग करती हूँ, जब स्लीव्स की कटिंग करते हैं, तब मैं आपको आर्मोल कैसे नापना है ये भी मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी आपका क्रॉस में आर्मोल आएगा, अभी यहाँ पे हमारा आर्मोल है 7.5 इंच तो हमें 8 इंच लेना है, यानी कि 0.5 इंच प्लस करना है। जितना आर्मोल होगा क्रॉस में तो उसमें आपको 0.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 8 इंच लेना है। अभी 8 इंच है तो हम एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे हमें कट करना है। ये जो एक्स्ट्रा रखा है इसे हमें कट करना है। ये देखिए, यहां पे हमने इसे कट किया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें 1 इंच सीधा लेना है, और इस साइड में 1 इंच सीधा लेना है। दोनों साइड में आपको 1-1 इंच सीधा लेना है। अभी सीधा लेने के बाद यहाँ पे हम सीधा लेते हैं और यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें ये ज्वाइन करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 इंच जो सीधा लिया है वैसे ही 1 इंच हमें सीधा लेना है,
और ये दोनों के बीच में हमें एक इंच का गैप होना चाहिए। इस तरह से हमें इसमें ज्वाइंट करना है। ये जो मार्किंग हमने किया है यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करना है और ऊपर के साइड में एक इंच हमें इस तरह से लेना है। अब ये दोनों के बीच में हमें एक इंच का गैप रखना है। ये दोनों के बीच में हमें एक इंच का गैप आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारा बॉटम नापना है। जब हमारी छोटी स्लीव्स आती है, जैसे ये देखिए हमारी यहाँ पे स्लीव्स हैं 5 इंच, तो हमें 6.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स आती है इस तरह से आती है और यहाँ पे हमारे ये फोल्ड करने के लिए ये इस तरह से। अभी जितना आपका बॉटम होगा, यहाँ पे हमारा बॉटम जो है वो ज़्यादा आता है, बॉटम जितना होगा उतना आपको इस तरह से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। जैसे जितना आपका बॉटम होगा उतना आपको लेना है और एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारा थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा लेके फिर अंदर के साइड में फोल्ड करने के लिए ये पट्टी आती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे 3/4 स्लीव्स होगी तो यहाँ पे आपका जो लंबाई, देखिए यहाँ पे लंबाई होगी 15 इंच आपका तैयार है, तो यहाँ पे आपको 16.5 इंच लेना है। ये देखिए वहां पे भी आपको ये बॉटम लेना है और यहां से आपको इस तरह से ये बॉटम में इसे ज्वाइंट करना है। ये हुई हमारी 3/4 स्लीव्स। जैसे पहले मैंने आपको बताया है ये हमारी शॉर्ट स्लीव्स है, छोटी स्लीव जो हम नॉर्मल ब्लाउज के लिए बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी 3/4 स्लीव्स है जो हम ब्लाउज के लिए 3/4 स्लीव्स जो है वो बनाते हैं। अभी यहाँ तक हमारी जो ली है हमने 21 साढ़े 21 स्लीव्स की जो लंबाई ली है ये हमारी फुल स्लीव्स है। यहाँ तक हमारी ये स्लीव्स आती है, जो यहाँ पर तक हमारी स्लीव्स आती है, तो इसे क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे भी हमारी ये जो लंबाई है 20 इंच हमारी ये लंबाई है, तो 21.5 इंच हमारी यहाँ पे हमने 21.5 इंच लिया है, यानी कि एक्स्ट्रा हमने 1.5 इंच लिया है। अभी ये एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेने के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये जितना है उतना ही हमारा रहता है। जैसे ऊपर के साइड में जो गोलाई है ऐसे आती है, ये शॉर्ट स्लीव्स हो 3/4 स्लीव्स हो या फुल स्लीव्स हो, उसके लिए ऊपर का जो पैटर्न होता है इसी तरह से आता है। ये जो यहाँ से यहाँ तक जो 3 इंच लेते हैं, हर साइज के स्लीव्स के लिए आपको 3 इंच ही लेना है। 3 इंच लेने के बाद यहाँ पे आपको ये गोलाई जो है वो देनी है। यहाँ पे आपको बॉटम नापना है, तो ये हमारी छोटी स्लीव्स हो गई, यहाँ पे हमारे ये 3/4 स्लीव्स है, यहाँ पे भी हमें बॉटम नापना है और नापने के बाद यहाँ पे हमारा ये 3 इंच लेना है, 3 इंच लेने के बाद बॉटम नापना है और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और आपको इसकी कटिंग करनी है। अभी फुल स्लीव्स के लिए, अभी यहाँ पे हमारा जो बॉटम है, बॉटम है हमारा 4.5 इंच, हम 4.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। अभी 4.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से इसकी फिटिंग करनी है, यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये पूरी कटिंग आती है और यहाँ पे हमारे ये क्रॉस आता है। अब देखिए इस तरह से हमारी ये फुल स्लीव्स आती है। तो पहले मैंने छोटी स्लीव्स बताई, फिर उसके बाद 3/4 स्लीव्स कैसे बनानी है वह बताई है, अभी यहाँ पे मैंने फुल स्लीव्स भी कैसे बनानी है ये बताया है। अब यहाँ पे हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से कट करना है। अभी यहाँ पे हमें ऊपर के साइड में पहले हमें ये गोलाई कट करनी है, 1 इंच जो सीधा है सीधा लेना है। इस तरह से अभी ये हुई हमारी, ये जो गोलाई हमने कट की है ये हमारी बैक साइड की गोलाई है। अभी यहाँ पे हमारी ये जो गोलाई है ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई है। अब देखिए यहाँ पे ये जो गोलाई हमारी, ये जो डीप गोलाई आती है ये हमारी फ्रंट साइड में ज्वाइंट होती है और यहाँ पे हमारी ये ऊपर के साइड में गोलाई आती है ये हमारी बैक साइड में ज्वाइंट होती है।
तो यहाँ पे मैंने आपको ये फुल स्लीव जो है उसकी कटिंग मैंने आपको करके दिखाई है। तो इस तरह से आप फुल स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों स्लीव्स को आपको समझाया है, शॉर्ट स्लीव्स भी समझाई है, 3/4 स्लीव्स भी आपको कैसे कट करनी है वो बताया है, और यहाँ पे मैंने फुल स्लीव्स जो है वो भी बताया है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज की स्लीव्स कैसे कट करनी है ये मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching this video.